कुछ एमएलए के कैंडिडेट्स हैं, नरेंद्र मेहता है, मुजफ्फर हुसैन है और गीता जैन है, क्या लगता है इस बार कौन एमएलए बन सकता है? नरेंद्र मेहता। क्यों नरेंद्र मेहता? क्योंकि उन्होंने हमारे एरिए को, जब वो एमएलए रहे हैं तो उन्होंने काफी डेवलपमेंट की है, और इस बार अगर वो एमएलए बनेंगे तो वो पानी की समस्या जो थी उसका समाधान कर देंगे, इसलिए हम चाहते हैं नरेंद्र मेहता एमएलए बने। इस बार का एमएलए कौन बन सकता है, चाहे वो नरेंद्र मेहता हो, गीता जैन हो या मुजफ्फर हुसैन, क्या लगता है? गीता जैन। अगर गीता जैन है तो क्यों, मतलब क्या रीजन है? बहुत बेकार से रोड थे, अभी नए सीमेंट के अच्छे अच्छे रोड बन रहे हैं और ऑलमोस्ट सभी जगह एक साथ काम चल रहा है और नए मशीन से साफ सफाई होती है आजकल और ज्यादातर गंदगी नहीं होती, इसलिए जैसे कि नरेंद्र मेहता है, गीता जैन है, मुजफ्फर हुसैन है, या कोई नया चेहरा आपको ऐसा क्या लगता है? नया चेहरा मैं देखो अभी तो फुल 90% चांस उसका है। किसका सर? मेहता का। मेहता का क्वेश्चन है, वो अपकमिंग है। ओके, तो जैसे कि हमारे कुछ कैंडिडेट्स हैं, नरेंद्र मेहता है, गीता जैन है, मुजफ्फर हुसैन, आपके हिसाब से क्या लगता है किसे पावर मिलनी चाहिए इस बार? लेकिन नरेंद्र मेहता को। तो सर ऐसा उनका कोई काम जो आपको पसंद है कि हाँ इस रीजन से इनको ये एमएलए बनाना चाहिए? पूरे मीरा रोड में कंक्रीट का जो सड़क है आरसीसी का, वो बनाने का पूरा श्रेय नरेंद्र मेहता का है और उनका ही वो विजन है, जिससे पूरी रोड व्यवस्था ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा व्यवस्था हो गया। एमएलए नेक्स्ट एमएलए अगर हम हमको बोलेंगे चुनने के लिए तो मैं मेरा वोट विल बी तो नरेंद्र मेहता। और आने का बात जैसे मीरा रोड का जो हालात था पहले, हमारा इधर ही जो था रास्ता ठीक से नहीं था, गाड़ी नहीं कुछ आता नहीं था इधर, वो जो था अभी आने का बाद जो सीमेंट रोड और जो डेवलपमेंट किया है उसका उनको ही मेरा वोट जाता है। ऐसा टाइप का एमएलए अगर इधर चुन के आए तो हमारा वही उम्मीद है उनको ही आना चाहिए कि नेक्स्ट एमएलए किसे होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मेहता ही, क्योंकि मतलब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि नरेंद्र मेहता ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं, मतलब जैसे कि उन्होंने मतलब छोटे छोटे भी जो हिंदू के लिए या मुसलमान के लिए हर हर कौम के लिए उन्होंने जो भी ध्यान में रखे जो काम किए, तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मेहता ही होने चाहिए। तो जैसे कि अभी एमएलए का इलेक्शन होने वाला है, आपको क्या लगता है इस बार कौन एमएलए बन सकता है? नरेंद्र मेहता। अगर नरेंद्र मेहता का जैसे आपने नाम बोला, उनका कोई काम बता सकते हैं कि जिस हिसाब से आप नरेंद्र मेहता को सपोर्ट करते हैं? नरेंद्र मेहता मतलब बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हुआ है मीरा रोड में, जहाँ तक मैंने देखा है 10 साल में, 10 साल हो गए मीरा रोड में आके मुझे, तो काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है मीरा रोड में। और उनके जो भी स्कूल्स हैं उसमें बच्चों को एक्टिविटीज बहुत सारी चीजें मिलती है, इसलिए मतलब मैं एमएलए देखना चाहूंगी।